एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी मंगल दोष अपनी कुंडली में बनता है और उसका भंग कैसा होता है, उसकी जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। उसी श्रृंखला में आज जो बात करेंगे वो जो आपकी मीन लग्न के जो जातक और जातिका है वो अपनी कुंडली जरूर खोलिए और जो हम बताने का प्रयत्न करेंगे वो आप अपनी कुंडली में जरूर देखिए। इसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे जो पुराने वीडियो हैं जिसमें हमने आपको ये बताने का कोशिश किया है कि किस तरह से मंगल दोष के परिहार को देखा जाता है, तो वो वीडियो जरूर देखिए। और साथ साथ में हमने मेष लग्न से जो कुंभ लग्न के जातक और जातिका हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया है जिसमें जानकारी दी है कि मंगल दोष को कैसे देखा जाता है और कैसे उसका भंग होता है, वो जानकारी दी है। तो वो जो सूत्र शास्त्रों में बताए हैं उसके अनुसार ये बताया गया है कि जब भी आप अपनी कुंडली देखें तो जो लग्न होता है आपकी कुंडली में वहां से मंगल देखा जाता है, वहां से चौथे भाव से मंगल होता है तो मंगल दोष होता है, फिर वहां से सातवें भाव पे मंगल होगा तो मंगल दोष होगा और आठवें भाव में मंगल होगा तो मंगल दोष होगा और बारहवें भाव में मंगल होगा तो मंगल दोष होगा। तो पहले चौथे सातवें आठवें बारहवें भाव में मंगल से होने से मंगल दोष बन गया, तो इसको ये तो एक को हो गया। अब ये मंगल दोष का भंग कैसा होता है उसके जो सूत्र हमने बताया उसी को अब हम लागू करेंगे इस कुंडली पे। आप जो हम बता रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए, बाद में जो भी और भी ग्रह बैठे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। तो आज पहले तो वही बता रहे हैं कि पहले मान लो 12 नंबर की जो राशि है यहाँ पे अगर मंगल बैठा है तो जो सूत्र ये बताता है कि अगर शुभ ग्रहों की राशि है, मान लो शुभ ग्रह है 9 नंबर की धनु राशि और 12 नंबर की मीन राशि, इसमें अगर मंगल बैठेगा तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगल दोष नहीं बनता है इस कुंडली में। यहाँ मंगल अगर मित्र राशि 12 नंबर में मंगल बैठा है तो मंगल दोष नहीं होगा, परंतु चौथे भाव में 3 नंबर की राशि यहाँ अगर आपका मंगल बैठा है तो ये मंगल दोष कहलाएगा, यहाँ मंगल दोष बनता है। ऐसे सातवें भाव में 6 नंबर के बुध की राशि में मंगल बैठेगा तो ये भी मंगल दोष कहलाएगा, परंतु आठवें भाव में 7 नंबर की राशि में जैसे यहाँ मंगल बैठा है तो ये मंगल दोष नहीं बनता है, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि जो है 2 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 12 नंबर इसमें अगर मंगल बैठता है आपकी कुंडली में तो मंगल दोष नहीं कहलाता है, वो भंग हो जाता है। इसी तरह से आपका 12वां भाव में 11 नंबर की राशि में अगर मंगल बैठेगा तो यहाँ पे मंगल दोष कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मीन लग्न के जो जातक है अगर उनका मंगल अगर मंगल दोष बनता है अगर वो चौथे भाव में है या सातवें भाव में है या 11 भाव में, तो चौथे सातवें और 11 भाव में मंगल के बैठने से मंगल दोष बन गया। अब मंगल दोष के परिहार के लिए हमने सूत्र बताया कि अगर जहाँ पे भी अभी ये मंगल दोष बना है 3 नंबर की राशि में मंगल मंगल दोष बना है तो यहाँ पे इसके साथ में अगर मंगल इस मंगल के साथ में युति चंद्रमा करे या इस मंगल के साथ में शुक्र करे या इस मंगल के साथ में गुरु करे, तो ये युति अगर 3 नंबर की राशि में मंगल शुक्र मंगल गुरु और मंगल चंद्रमा की बनेगी तो ये मंगल दोष यहाँ पे परिहार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में जैसे यहाँ बताया चौथे भाव में ऐसे ही यहाँ पे मंगल के साथ में कोई भी शुभ ग्रह मंगल बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए या गुरु बैठ जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। ऐसे ही अगर जैसा 11 नंबर की राशि है और यहाँ पे भी अगर मंगल के साथ में चंद्रमा बैठे या मंगल साथ में गुरु बैठे या मंगल के साथ में शुक्र बैठ जाए तो आपका मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो ये तो शुक्र और गुरु के बैठने से मंगल दोष का परिहार हो गया, जहाँ भी आपका मंगल दोष बन रहा था चौथे भाव में और आठवें भाव में और 11वें भाव में। परंतु इसके साथ साथ में अगर इनकी दृष्टि भी हो जाए, जैसे यह बृहस्पति ग्रह सिर्फ हम देखें बाकी ग्रह मत देखिए आप, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि अगर मंगल पर यहाँ बन जाती है चौथे भाव में 3 नंबर की राशि में मंगल बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि से भी आपका मंगल दोष समाप्त हो जाएगा, तो मंगल दोष जहाँ से भी दृष्टि डालेगा अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो यहाँ से पांचवी दृष्टि यहाँ आ जाएगी तो भी मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। मंगल दोष अगर मंगल वाला यहाँ बैठा है तो 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से यहाँ डालेगा तो भी मंगल दोष, तो अगर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि अगर मंगल पे आ रही है तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे मंगल बैठा और बृहस्पति लग्न से दृष्टि डाले, बृहस्पति 11वें भाव से बैठ के यहाँ
दृष्टि डाले या पांच यहाँ से दृष्टि डाले तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो शुभ ग्रह की दृष्टि होना चाहिए, जैसे मंगल यहाँ बैठा हुआ है और शुक्र ग्रह वहां से दृष्टि डाले लग्न से तो भी इसका परिहार हो जाएगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि डालेगा तो परिहार हो जाएगा। तो जैसे दृष्टि से या युति से ये इन ग्रहों की युति से, शुभ ग्रहों की युति से या शुभ ग्रहों की दृष्टि से, शुभ ग्रह में कौन से बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि या युति अगर जहाँ पे मंगल दोष बन रहा है वहां पर डालेंगे और बैठेंगे और डालेंगे तो उसका परिहार हो गया, तो इस तरह से मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो आपको हमने बताने का प्रयत्न किया कि अगर आप मीन लग्न के जातक हैं तो आपका जो मंगल दोष बनता है वो चौथे भाव में बनता है, सातवें भाव में बनता है और ग्यारह भाव में। अगर इन्हीं भावों में शुक्र बैठ जाता है या गुरु बैठ जाता है, शुक्र गुरु यहाँ पे बैठता है या शुक्र गुरु से यहाँ पे मंगल से युति करेगा तो शुक्र या मंगल है एक कोई सा भी ग्रह हो तो भी इनका जो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। या फिर उनकी दृष्टि भी अगर डाले, जैसे मंगल यहाँ बैठा है और बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो ऐसी दृष्टि भी डालने से भी उसका मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल स्टार सिंप्लीफाइड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको मंगल दोष के जो भ्रांतियाँ फैली है उसकी कमी आएगी और आपको मंगल दोष का जो आपकी कुंडली में आप सोच रहे थे कि बन रहा है वो अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये इससे मंगल दोष का परिहार या भंग हो जाता है। तो अगर आपको हमारे से कंसल्टेशन परामर्श अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।